अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ अहमद लतीफ़ कुमन। तो यहाँ पे हमारे पास एक HP मोबाइल प्रिंटिंग पड़ी हुई है। तो अगर आप इसका मॉडल देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका मॉडल मिल जाएगा। कहाँ पे है ये रहा, HP डिज़ाइन जेट है ये, 8T830 है ये। यहाँ से भी दिखा देता हूँ आपको इसका HP का जो मेन है। इसको हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं, बेसिकली हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे, उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे HP डिज़ाइन जेट T830 है ये, 36 in MFE है ये, मतलब मल्टी फंक्शन प्रिंटर है ये। इसका सीरियल नंबर है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे भी है इसका प्लॉटर नंबर है ये। और खैर ये चीज़ें माने नहीं रखती, हम इसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं। तो सोचा आप लोगों को भी दिखाता चलूँ इसकी फ़र्स्ट लुक जो है वो कैसी दिखेगी। तो सबसे पहले तो हम इसकी ये जो सेफ्टी टेप है वो हटाएंगे, इसको कट करेंगे और इसको अनबॉक्स करेंगे। तो लीजिए आप ज़रा देखिए, कट नहीं लाया गया है। तो लीजिए अनबॉक्सिंग करते हुए सबसे पहले इसकी ये कार्ट्रिज है, इसकी पावर केबल है, डाटा केबल है। और इस साइड पे आपको इसका पूरा स्टैंड जो है वो मिल जाएगा, माउंट जो है इसकी, जिसके ऊपर इसको स्टैंड करना पड़ेगा, माउंट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको अब फिक्स करते हैं, सेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये इसका मैनुअल है, ये इंग्लिश में इसमें साथ अरबिक, वो सॉरी कुछ रशियन कुछ ग्रीस में भी है। तो इसको हम फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये 1 2 3 और इसकी माउंट जो है उसको हम फिक्स करेंगे। तो वो तो हम कम्प्लीटली नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप सेम टू सेम इसको फॉलो कीजिएगा और आप भी इसको माउंट को फिक्स कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो लीजिए ये सिंपल सा था, ये इसकी लेफ़्ट और राइट की माउंट है यहाँ पर, राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद यहाँ पे जस्ट सिंपली एक रॉड था इसकी सपोर्ट के लिए, वो रखा है और ये इसके साथ है फिक्स करने के लिए, उसको ऊपर रख के प्रेस कर दिया और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, अब डायरेक्टली इसके ऊपर हम वो प्लॉटर रखेंगे। ये थोड़ा वजनी है इसलिए मैं लड़के को कुछ फ़ोन किया, वो अभी आ रहा है, तो इसको उसके ऊपर फिक्स करेंगे। ये है जी इसकी फर्स्ट लुक। HP मोबाइल प्रिंटिंग, HP डिज़ाइन जेट T830 MFP। MFP मतलब मल्टी फंक्शन प्रोग्राम। अब इसको सेट करने के लिए ये तकरीबन सारा रेडी है। अब यहाँ पे इसका लॉक है, उसके नीचे प्लॉटर के नीचे यहाँ पे इसके अंदर बस सिंपली इंसर्ट करना है। यहाँ पे दो स्क्रूज हैं वो टाइट कर देने हैं, यहाँ पे सेम इसी तरह यहाँ पे भी है,
यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, मतलब एक उन्होंने स्पेसिफिक लोकेशन दी हुई है कि इस जगह पे रखना है, उसके बाद स्क्रू टाइट करना है। इसकी जो बैक साइड है वो इस साइड पे आएगी, क्योंकि वो जितने भी पेपर वगैरह होंगे वो इसके अंदर नीचे गिरेंगे। तो ये इस तरह से है। तो चलिए हम उसको लगाते हैं। लीजिए गाइस, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फ्रंट है ये और ये बैक। अब इसकी जितनी भी सेफ्टी की जो टेप्स लगी हुई हैं वो हटा देंगे हम। तो लीजिए गाइस, ये एकदम रेडी हो चुका है माउंट के ऊपर। इसका व्यू फाइनली कुछ इस तरह से दिखेगा। ये इसकी फ्रंट साइड है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रेडी करेंगे। अभी इसकी हमें कार्ट्रिज जो है कलर ड्रम वो अभी हमें लगाने हैं, माउंट करने हैं। उसके बाद इसके ड्राइवर्स वगैरह वो देखेंगे और इसके एक टेस्ट प्रिंट पेज लेंगे और स्कैन करेंगे। तो उसके लिए जुड़े रखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।